इस शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म एनएच 10 ने अनुष्का शर्मा को सिर्फ एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, एक सफल निर्माता भी बना दिया है। बहुत बहुत स्वागत, और हमारे साथ आज अपनी फिल्म के एक सक्सेस को क्रेडिट करने के लिए पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। अनुष्का, बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं आपकी टीम को। थैंक यू सो मच। अनुष्का, जब आप फिल्म को प्रमोट करी थी, कहीं एंटिसिपेशन ज्यादा था इस फिल्म को लेकर? एंटिसिपेशन था, हम बस चाहते थे कि जिस तरह से हमने इस फिल्म को समझा और हमको इतनी पसंद आई कि हमने डिसाइड किया कि इसको हम बनाएं, उसी तरह से हम चाहते थे कि लोगों को भी वैसे समझ में, और अब भी रिस्पांस वैसा ही आ रहा है। क्रिटिक्स से, रेगुलर लोगों से, लड़कियों को बहुत पसंद आ रही है, लड़के रूट कर रहे हैं फिल्म के लिए। सो इन अ वे ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ही पूरा एक पैन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स है, विच इज़ सुपर। एज एन प्रोड्यूसर, नर्वसनेस थी आपको इस फिल्म को लेकर? नहीं थी, बिकॉज आई फील लाइक हमें पता था कि हमने एक अच्छी कहानी बनाई है, एक एक बहुत ही पावरफुल फिल्म बनाई है, तो वो देख के नर्वसनेस नहीं थी, एक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट थी कि लोगों को अब ये कैसी लगेगी, जितनी हमको अच्छी लगी लोगों को अच्छी लगी नहीं लगेगी, लेकिन हमको पता था कि अगर फिल्म भी अच्छा नहीं करेगी, वी हैड मेड अ गुड फिल्म, दैट वी काइंड ऑफ ऑल फेल्ट। नील, फिल्म में आजकल क्या हीरोइन इज द हीरो? या आई थिंक द हीरोइन इज ऑलवेज द हीरो, इट शुड ऑलवेज बी लाइक दैट। इतना आसान होता है कि स्टोरी इज द हीरो, स्क्रिप्ट इज द हीरो, इतना आसान होता है कि एक एक्टर के लिए कि लाइक एक एक्ट्रेस को पूरी फिल्म को अपने कंधे पे उठाए देना? Like Anushka said, it's the story. I mean, if you make a film based around a child, then it's on that. So aisa nahi hai ki it's a gender based thing on who takes the responsibility on. It's a full story. दर्शन, आपको लगता है कि जो पहले विलेंस के रोल किया करते थे, अब हीरो ही विलेंस हैं? ये ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा है वैसे, लेकिन क्योंकि बहुत पहले से भी हीरोज नेगेटिव रोल्स कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है एज एन एक्टर ही हम लोग जब भी परफॉर्म करते हैं ये नहीं देखते हैं कि हम एज ए हीरो कर रहे हैं या एज ए नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह जो भी करते हैं हम सोचते हैं कि जो कर रहे हैं राइट कर रहे हैं। नेगेटिव आदमी भी अगर मैं जिसमें जो मैं सतबीर प्ले कर रहा हूँ, सतबीर प्ले करते वक्त मैंने यही सोचा था कि जो मैं कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, दुनिया में कोई मुझसे बेटर नहीं जानता, और वही एज ए हीरो जब हम करते हैं तो तब वही सोचते हैं कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से बेटर कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो उस तरह से एज एन एक्टर हम प्ले करते हैं। नवदीप, फिल्म को सेंसर बोर्ड CBFC की तरफ से थोड़ी बहुत शंकाएं हुई उठी थी, मन में जद्दोहद थी कि फिल्म रिलीज होगी कैसे होगी, ये थे आपके मन? बिल्कुल, पहली बार तो उन्होंने एकदम रिजेक्ट कर दी थी फिल्म, बैन लगाने की बात चल रही थी, तो मैं काफ़ी शॉक था कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आएगी, बट फाइनली जब रिवाइजिंग कमेटी से हमने बात की, पहले उनकी 50 कट्स थे, फिर उन्होंने 30 कर दिए, फिर फाइनली डिस्कशन वगैरह करने के बाद 12-13 कट्स हैं अभी। मतलब हर एक, मतलब जब एक इंसान फिल्म बनाता है तो वो बहुत सोच समझ के हर सीन को एडिट करता है, हर डायलॉग को एडिट करता है, तो एक आई फील के अगर कोई भी वर्ड निकाला जाए या कोई भी सीन काटा जाए तो ऑफकोर्स एक इफेक्ट आता है, बट होपफुली बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है और फिल्म फिर भी बेसिकली कम्प्लीट है। उसका मोर कॉन्फिडेंट नाउ, बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं आप अब? हाँ, आई मीन आई एम कॉन्फिडेंट कि ऐसी फिल्म ने ऐसा अच्छा बिजनेस किया है जो एक थोड़ी सी लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ऑफ बीट फिल्म है, तो द फैक्ट दैट लोगों को पसंद है इसका मतलब ये है कि लोग तैयार हैं देखने के लिए, वैसे ही हम लोगों को लगता था, और मैं हमेशा कहती थी कि अगर ये फिल्म काम करेगी तो ऑब्वियसली मेरे में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी कि मैं और ऐसी फिल्में करूँ जो मैं करना चाहूँगी, अलग फिल्में, नॉट जस्ट ऐसी फिल्में बट लाइक डिफरेंट टाइप की फिल्म जो मुझे पसंद आती हैं, जिनमें मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है। मिस्टर रजत शर्मा, राकेश शर्मा, चेतन शर्मा, उसके बाद अनुष्का शर्मा भी पूरे शर्माओं का नाम रोशन कर रही है। दैट्स ट्रू। एंड सुदीप शर्मा जिन्होंने फिल्म लिखी है। तो यानी ये एक अच्छा, मतलब एक पहली विमेन शर्मा होगी जो मतलब पूरा परचम लहरा रही है। अब मैं क्या बोलूं? मेरे खानदान बड़ा खुश होगा। शर्मा खानदान विल बी वेरी हैप्पी। शर्माओं का फ्लैग ऊंचा होगा। आगे इसके बाद भी फिल्म प्रोड्यूस करती रहेंगी? डेफिनेटली। किस तरह की होंगी कुछ बता सकते? अलग हटके फिल्में, अलग स्टोरीज, नवदीप जैसे अलग टैलेंटेड लोगों के संग काम करेंगे, सुदीप जैसे अच्छे राइटर्स के संग काम करेंगे, लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं जिनकी सोच सिमिलर होती है उन लोगों के साथ हम लोग कोलैबोरेट करेंगे आगे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, पर जाते जाते वी वांट अ 3 चीयर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके, नो आई विल काउंट 1, ओके
3 cheers for NH10. Hip hip hooray! एनर्जी है ही नहीं सर, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, थोड़ा अंदर से, यहाँ से, यहाँ से निकाले. 1 2 3 3 cheers for NH10. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! फिल्म NH10 के इस बात ये एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि ऑडियंस, आम दर्शक, एक अच्छी कहानी और एक अच्छी प्रस्तुति देखना चाहता है, जो कि इस फिल्म में भी दिखाई दी. कैमरामैन विजेंद्र के साथ सुमित शर्मा, इंडिया टीवी, मुंबई.